नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसा कि मैंने मॉर्निंग्स में आपसे वादा किया था, आपके लिए नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस, इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिले थे, IBPS RRB PO के प्री के एग्जाम्स में, राइट। तो उन्हीं क्वेश्चंस को, एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं, स्टूडेंट ने सेंड किए हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिया है, राइट, एग्जाम्स चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे सेकंड शिफ्ट हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस आपको याद है, राइट, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जिनका एग्जाम्स है आपके नेक्स्ट डे, राइट, यानी कि 13th ऑफ सितंबर को, उनको एग्जैक्टली हेल्प बन सके, उनको पता चल सके किस बेसिस पे एग्जाम्स हो रहे हैं, राइट। प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी नंबर सीरीज आई है वीडियो को पूरा देखिएगा, कौन कौन सी इक्वेशंस पूछी गई थी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स रही थी, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। ओके, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं कोई क्वेश्चंस में डाउट्स लगे, नहीं समझ में आता, तुरंत टाइप कीजिएगा, और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस टाइप की कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रिच है। एंड वीडियो अच्छा लगे, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे, तो लाइक बटन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर सीरीज का है। कुछ क्वेश्चन मिले हैं, जो क्वेश्चन मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। और मैंने थंबनेल पे आपको देख रहे हैं, जो करवाया एग्जैक्ट वही आया, जिस किसी स्टूडेंट्स ने मेरी सारी क्लासेस IBPS RRB PO की ली है, राइट, वह क्लासेस उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, राइट। प्लीज अगर आपका एग्जाम्स है तो इन सारी क्लासेस को देख लीजिएगा, मेरे वीडियोज में अवेलेबल है सारे क्वेश्चंस, DI, मिसिंग नंबर सीरीज, आपके अर्थमेटिक, रॉ नंबर सीरीज, कोई भी क्वेश्चन हो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो प्लीज उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, 100% आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके, इन एग्जाम्स रिलेटेड मैं आपसे बात कर लूँ पहले है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, जिनका भी एग्जाम्स है कल, यानी कि 13 तारीख को, राइट, उनको मैं बताते चलूँ, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका 13 तारीख को एग्जाम्स है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है मास्क की, जो आपका डाउट्स है, तो N95 मास्क है, जो कि आपको कंपलसरी नहीं है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, आपके पास जो भी मास्क है वह आप ले जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका रहता है कि बहुत सारे पूछते हैं कि ग्लव्स के लिए, ग्लव्स अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर है तो आप ले जा सकते हैं, बट ज़्यादा कंपलसरी ग्लव्स भी नहीं है। सेकंड एक क्वेश्चन पूछता जाता है कि रब सीट कितनी मिलेगी, एक या एक से ज़्यादा या दो तीन। माड़ी रेस्टोरेंट, इंस्ट्रक्शंस में मेंशंस था अगर आपको एक ही रब सीट मिलेगी, बट एग्जाम सेंटर्स में, एग्जाम्स में आप एग्जाम्स दे रहे हो, वहाँ पर स्टूडेंट्स के माध्यम से पता चला है कि वहाँ से आप पर आपको 3 से 4 रब सीट एग्जैक्टली मिल सकती है, राइट, तो रब सीट की भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। एक आरोग्य सेतु ऐप का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स का, कि सर आरोग्य सेतु ऐप क्या करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सेलफोन है तो आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके जाइएगा, इंस्टॉल करके जाइएगा, उसको अपडेट कर लीजिएगा, राइट। आरोग्य सेतु ऐप बहुत ही कंपलसरी है, रीजन्स मैंने आपको बताया, कंटेंटमेंट चोट हो, कोई हॉटस्पॉट इलाके से आया हो, राइट, उनको एक तरह से अवॉइड किया जा सकता है। इनको एक आइसोलेशन वार्ड भी वहाँ पर बनाया गया है, उनको आइसोलेशन वार्ड में डाला जा सकता है टेम्परेचर चेक करके, राइट। तो याद रखिएगा, आइसोलेशन आपको आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना है, और अगर नहीं है तो एडमिट कार्ड में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको फिल करना है, राइट, अगर आपके पास सेल फोन नहीं है तो। ये होगा आरोग्य सेतु, N95 मास्क, एंटेंस आपके रब सेट। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चंस पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, जिनका कल एग्जाम्स है। देखिए, एग्जाम्स तो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट पूछ रहा है, एग्जाम्स इजी टू मॉडरेट, राइट।
इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम से इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और इतना ज़्यादा इजी भी नहीं है। जितने अच्छी प्रैक्टिस की है जिस किसी स्टूडेंट्स ने, उनके लिए तो थोड़ा सा एग्जाम्स इजी हैं, जिन्होंने कम प्रैक्टिस की है उनके लिए थोड़ा सा मॉडरेट है। बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग माय डियर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स हुई थी कि ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस में प्रॉब्लम्स हुई थी आपको। ऑप्शन जो सर्कल्स हैं राइट, जो क्रशर है उनको घुमाने में राइट, ऊपर नीचे करने में ऑप्शंस बहुत लेंथी लेंथी दे रखे थे। एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग था वहाँ पर, आपका टाइम वेस्ट हो रहा था। इसलिए कह रहा हूँ स्पीड बनाइए। क्वेश्चन देखिए 3.5, 2.5 राइट एंड 3 एंड 6 एंड 20 एंड देन क्वेश्चन मार्क। यह एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने एग्जाम्स दिया है तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि हाँ सर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी टाइप का अर्थमेटिक का क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो बता दीजिएगा, ताकि मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊँ। 3 से 2.5 हो रहा है, 2.5 से 3 हो रहा है, 3 से यहाँ पर 6 हो रहा है, 6 से यहाँ पर 20 हो रहा है राइट। यहाँ से आप क्लियरली निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 3.5 से 2.5 यानी कि माइनस का आपका 1 है राइट। यहाँ से देखिए, यहाँ पर अपने को सीरीज पता चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज जाएगी, तो इट मीन्स यहाँ पर देखिए इन टू 1 माइनस 1 है, 2.5 से 3 हो रहा है, इन टू 2 करेंगे तो 5 आएगा, माइनस का 2 करेंगे तो अपने पास 3 एक्जैक्टली आ सकता है, बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 है तो अगेन यहाँ पर 3 होगा, 3 माइनस 3 करेंगे तो अपने पास 6 आ रहा है, 3 3 9 प्लस इन माइनस 6 इजिकल टू माइनस 3 इजिकल टू 6। यहाँ पर अगेन आपका 4 माइनस 4, नेक्स्ट यहाँ पर 5 माइनस 5। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चंस तो मैंने कई बार ऐसे सीरीज करवाई है, तो प्लीज़ कंटिन्यू मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जिनका एग्जाम्स कल है तो रात रात में आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो, 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है ओके। 20 इंटू 5 आपके होता है 100, 100 माइनस 5 करेंगे आंसर्स विल बिकम 95, 95 बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा राइट। नेक्स्ट देखिए 20, 12, 14, 23, 48 एंड देन क्वेश्चन मार्क। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी इससे अप लेवल के क्वेश्चन मैंने करवाए थे। ये तो आप विदाउट पेन एंड पेपर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। छोटी संख्या होती है ना तो उनको ट्राई कीजिए, स्क्रीन्स पे जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन्स होती है वहीं पे भी आप सॉल्व कर पाए, छोटी संख्या में ये फायदा रहता है। बड़ी संख्या हो तब आप रफ सेट इस्तेमाल करें, बाकी छोटी संख्या हो आप यहीं के स्क्रीन्स पे ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे राइट। देखिए 20 से 12 हो रहा है तो रफ से आप विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करेंगे, 20 से 12 हो रहा है इट मीन्स 0.5 है, 0.5 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, प्लस का 2 करेंगे तो ये आएगा, इन टू 1 प्लस 2 होगा राइट। अब अपने को सीरीज का पैटर्न मिल गया, 0.5 इन टू 1, 1.5 प्लस 2 यानी कि 13 बिल्कुल सही है, 2 प्लस 2 23, 2 जा 46 प्लस 2 आपकी 48। नेक्स्ट टर्म्स आपका होगा 2.5 प्लस आपका 2 करेंगे तो अपने पास 48, अपने पास क्या आएगा ये पूछा है, तो एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाला है मैंने, 42 इंटू 2.5 यानी कि 5 अपॉन 2 कर दीजिए, एक ही बात है, प्लस आपका 2 करना है तो 2 से ये कितने टाइम्स गया, दैट इज द 24 इंटू 5 करेंगे तो इसका हाफ 12 इंटू 10 यानी कि 120 प्लस 2 करेंगे तो 122 राइट, 122 इट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप विदाउट रफ सेट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा प्रयास करेंगे तभी आप नंबर सीरीज में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स ले पाएंगे ओके। तो क्वेश्चन देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है। देखिए 20 से आपके 12 हो रहा है तो 0.5 इंटू 0.5 प्लस अपन 2 करेंगे तो अपने पास 12 आ सकता है राइट। एंड देन यहाँ पर देखिए 12 है, 12 से 14 हो रहा है तो 12 से आपका 14 हो रहा है राइट, इंटू 1 माइनस 2 करेंगे तो अपने पास 14 आ सकता है, इंटू यहाँ पर 1.5 कितना होता है, इंटू 1 14.5 करेंगे 14 प्लस 7 21 प्लस 2 करेंगे तो अपने पास 13 आ सकता है राइट।
23 इंटू 2 प्लस 2 48 बिल्कुल सही है राइट एंड 42 इंटू 48 इंटू 2.5 मैंने अभी आपको बताया दैट इज द 122 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा. नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चंस हैं. अगर जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स दिया है प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा राइट कि हाँ सर एग्जैक्ट यही पूछे थे. अच्छा लग रहा है तो लाइक करना शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट तक ताकि पहुंच सके उनकी भी एक हेल्प हो सके राइट. 121 से 123 हो रहा है इट मीन्स यहाँ पर सीरीज का एब्सोल्युटली पता चल रहा है कि प्लस 2 का डिफरेंस है यहाँ पर माइनस का 5 का डिफरेंस है यहाँ पर प्लस का 10 का डिफरेंस है यहाँ पर पता नहीं चल रहा यहाँ पर भी अपने को पता नहीं चल रहा. यहाँ से सीरीज पता चल जानी चाहिए जिसने क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस किए हैं. 2 है इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 है क्लिक करना चाहिए दिमाग में तुरंत. 2 का स्क्वायर प्लस 1 है 5 हुआ. 3 का स्क्वायर प्लस 1 है राइट 3 का स्क्वायर प्लस 1 है नेक्स्ट आपका होगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स माइनस का 17 क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस इट मीन्स अल्टरनेटिव बेसिस पे तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 17 तो 17 इनमें से लेस करेंगे आंसर्स विल बिकम 111 यानी कि 111 ओके. एंड देन नेक्स्ट आपका होगा 5 का स्क्वायर एक बार चेक करवा देता हूँ प्लस 1 आपकी होगा प्लस का 26 तो 111 में 26 ऐड करेंगे तो आंसर आपका 137 एक तरह से सही है. इट मीन्स आपका आंसर होगा 111 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर. नेक्स्ट देखिए 1.5 से 3 हो रहा है 3 से 12 हो रहा है 12 से 72 हो रहा है एंड देन यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यह भी सीरीज विदाउट पेन एंड पीपल्स आप कर सकते थे. कैसे 12 इंटू 6 टाइम्स बिल्कुल क्लियरली मैंशन दे रहा है 12 इंटू 6 टाइम्स यहाँ पर 4 टाइम्स यहाँ पर आपका 2 टाइम्स नेक्स्ट विल बिकम दैट इज द 8 टाइम्स राइट 2 6 2 4 6 8 यानी कि 72 इंटू 8 अपने को करना है राइट तो 72 इंटू 8 अपने को करना है क्लियरली कर सकते हैं 8 टू 16 एंड देन 1 कैरी 8 7 जो 56 प्लस 1 दैट इज द 57 576 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा क्लियर. नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन था यह भी क्लियरली मेंशन है यहाँ पर माइनस 2 का डिफरेंस है यहाँ पर माइनस 5 का डिफरेंस है राइट यहाँ पर माइनस 10 का डिफरेंस है राइट यहाँ पर कितने का डिफरेंस हुआ 16 का डबल करेंगे तो 132 माइनस का 17 का डिफरेंस है नेक्स्ट आपका माइनस का 26 का डिफरेंस होना चाहिए. अभी सीरीज करके आए हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 का 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 राइट एंड देन 3 का स्क्वायर प्लस 1 4 का स्क्वायर प्लस 1 राइट यहाँ पर सीरीज आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 राइट 3 का स्क्वायर प्लस 1 राइट आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं 3 का स्क्वायर तो देन नेक्स्ट टर्म्स आपका होगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज द 26 26 इसमें से माइनस करेंगे 16 माइनस किया 100 एंड अगेन 10 माइनस किया तो 90 राइट 19 इज द करेक्ट आंसर 90 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ए ऑप्शन आपका अगेन सही होगा ओके. फिफ्थ का सिक्स नंबर क्वेश्चन है ये आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह भी सीरीज का टर्म्स आप देख सकते हैं किस बेसिस पे है देखिएगा यहाँ से कितने बेसिस पे यहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है ऑप्शन में भी आप मदद ऑप्शन की भी आप हेल्प ले सकते हैं राइट एक तरह से कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज इतना मैंने हिंट्स आपको दे दिया आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा. अपन चलते हैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बहुत ही इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछी गई थी ध्यान से देखिएगा अगर आपको भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगे कि ये मेरे को याद है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा राइट जो स्टूडेंट्स ने सेंड की है वह मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ राइट एक्स की पावर क्यूब एक्स की पावर 3 है राइट ये पावर है ओके ये आपकी पावर है एक्स की पावर 3
इज इक्वल टू 64 एंड वाई की पावर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है यहाँ पर प्लस के ही कॉलम बनेंगे। क्यूब किसका होता है, डेट इज द फोर्थ का क्यूब होता है 64। यहाँ पर y के कॉलम्स में माय डियर स्टूडेंट्स प्लस और माइनस दोनों कॉलम्स बनेंगे, प्लस और माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, दैट इज द फोर का। अब इन दोनों में कंपेरिजन करना है, प्लस का फोर दोनों इक्वल है, माइनस के फोर से प्लस का फोर बड़ा है, तो x पहले क्वेश्चन का आंसर होगा x बड़ा बराबर y से, राइट। अगर आपने ये आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टर्म्स है आपको फाइंड आउट करने हैं, क्लियरली देखिए एक्स स्क्वायर 9 और 20, 9x प्लस 20 ऐसी संख्या आपको चुननी है जिसकी गुणा करने पर आपको 20 मिले और उस दोनों का जोड़ करने पर आपको 9 मिले, तो क्या आएगा 5 और 4, राइट। 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 20 होता है, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पर चिन्ह है आपका प्लस का, तो ये दोनों टर्म्स आपके माइनस में आएंगे, राइट। दोनों टर्म्स आपके माइनस में फाइंड आउट होगी, राइट, यानी कि माइनस का 5 और माइनस का 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 7 56, राइट, 8 7 56 होता है और 8 और 7 भी आपका 15 होता है, राइट, 8 और 7, तो दोनों टर्म्स कौन कौन से आएंगे, 8 और 7, और नीचे डिवाइड, क्योंकि 8 यहाँ पर गिवन है तो 8 आएगा, यहाँ पर भी आपका 8 आएगा, दोनों चीज़ किस में, प्लस में, तो प्लस में आपके दोनों टर्म्स हैं, तो दैट इज द यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ये x छोटा है y से, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका x छोटा है y से या y इज ग्रेटर देन x, राइट, y बड़ा है x से, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ऐसे ही दे सकते थे बिल्कुल इजी फॉर्मेट, यानी कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, विदाउट पेन एंड पेपर ये दोनों टर्म्स जो भी कोफिशियंट आएंगे वो प्लस प्लस में होंगे, और यहाँ पर प्लस है तो जो भी आएंगे वो माइनस माइनस में, प्लस बड़ा होता है तो यहाँ पर बड़ा कर दिया, राइट। अगर ऐसा सॉल्व किया तो आपका टाइम सेव अच्छे से हो गया होगा। यहाँ पर 12 है, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए गुणा करने पर 12 है और जोड़ने और घटाने पर x माइनस का मिले आपको, तो दैट इज द 4 और 3, 4 और 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने पास आएगा कितना, दैट इज द 12, और 4 में से 3 अपन लेस करेंगे तो अपने पास माइनस का गुण नहीं आएगा। अगर माइनस के 4 में से 3 लेस करेंगे, माइनस का 3 लेस करेंगे तो अपने पास देखिए एक टर्म्स आपके माइनस का होगा, एक टर्म्स आपके प्लस का होगा, अपने को माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 4 अपन करेंगे और प्लस का अपन 3 करेंगे तो अपने पास माइनस का 1 आ सकता है, क्लियर। तो देन यहाँ पर चिन्ह चेंज होंगे अब वापस, तो प्लस का आपका 4 होगा, माइनस का आपका 3 होगा, राइट, एंड देन यहाँ पर क्लियरली विजिबल्स हैं, राइट, 3 और 2, राइट, 3 और 2 दोनों टर्म्स माइनस पे क्योंकि यहाँ पर प्लस पे हैं, तो यहाँ पर देखिए बड़ा है, यहाँ पर 4 बड़ा है, राइट, तो 4 3 से बड़ा है, 2 से भी 4 बड़ा है क्योंकि प्लस का चिन्ह एग्जैक्टली बड़ा होना चाहिए। माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 3 है तो इक्वल हुआ, माइनस का 2 है, राइट, तो यहाँ पर माइनस का 3 है, तो माइनस में छोटी संख्या बड़ी होती है तो यहाँ पर y बड़ा हो गया, तो इट मीन्स इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू y, या दैट इज द नो रिलेशन आप कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर 3969, माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है इसका स्क्वायर होता है, दैट इज द 6, कैसे लिंक याद करते हैं, लास्ट टर्म्स किसका एंड हो रहा है 9 में, तो 3 का स्क्वायर आपके 9 होता है, दो टर्म्स निकाल दिए, 39 किस स्क्वायर के बीच में है, 6 के स्क्वायर के बीच में है, 63 आपका होगा 39 का, राइट, 63 प्लस माइनस दोनों टर्म्स आएंगे, यहाँ पर y प्लस 63 इज इक्वल टू यहाँ पर पावर स्क्वायर है, राइट, तो यहाँ पर इसको पहले शॉर्ट आउट कीजिए, y प्लस 63, राइट, y प्लस 63 एंड टर्म्स दोनों के मल्टीप्लिकेशन होगा y प्लस 63, राइट, तो कैसे, दैट इज द y का स्क्वायर। अब देखिए सीरीज आपको तुरंत पता चल जाएगी, 63 प्लस 63 दैट इज द 126, 126 प्लस y एंड इज प्लस 63 का तरह से स्क्वायर, 63 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, एग्जाम आप में गिवन है 60, 39,
69, right? 39, 69. तो क्लियरली इसके भी कौन से कॉफिशियंट होंगे, 63 और 63, राइट? 63 और 63 दोनों किस में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो दोनों माइनस में आएंगे। तो एक चीज यहाँ पर कॉमन है, माइनस का 63, माइनस का 63, प्लस का तो एक्जैक्टली बड़ा ही होगा। तो आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स आपका बड़ा बराबर है वाई से, राइट? इसका आंसर एक्स बड़ा बराबर वाई इज द करेक्ट आंसर होगा, क्लियर? तो ये तो थे आपके चार क्वेश्चंस इक्वेशंस के, और आपके छह क्वेश्चंस जो मेरे को मिले मैंने आपके साथ डिस्कशंस कर लिया, ओके? छह क्वेश्चंस आपके नंबर सीरीज के। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, इंपॉर्टेंट लगा, कुछ चीज़ें आपने सीखी है, आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ होगा, तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर बटन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि स्टूडेंट तक पहुँच सके जिनका भी कल एग्जाम्स है, राइट? एंड चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत अच्छे आपके लिए वीडियो, अच्छी आपकी प्रिपरेशंस के लिए वीडियोज एवरी डे अपलोड करता रहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा एग्जाम्स रिलेटेड। एंड देन कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, और एग्जाम से रिलेटेड हो और आपको कोई भी क्वेश्चन आपने एग्जाम्स दिया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।